ये आपके लिए है। हार्ड वर्क कर, मिलेगी तुझे जीत, बढ़ता जा आगे, तू दिखाना अपनी पीठ, खुद पर रख भरोसा, सब हो जाएगा ठीक, बस किसी से ना मांगियो कभी मदद की तू भीख। एक बात सुन मेरे दोस्त मेरे यार, ना कर ब्लेम अपने फेलियर का किसी और को, इसमें तू ही है जिम्मेदार, छोड़ ये प्यार का खेल जो लगे तुझे मजेदार, इन फालतू बातों से नहीं मिलने वाली लंबी कार, बस मत मान हार, तू लगे रहे मेरे यार, एक दिन तू देखना आगे पहनेगा गोल्डन हार। ये दिन है चार दिन, ये जिंदगी के चार दिन, कर दे इन चार दिनों में खुद का पसीना निकाल के अपने आप को साबित मेरे यार, ये आपके लिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है ये एक IME का टॉपिक है। मैं बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर हम IME सीखना चाहते हैं, IME रिपेयर करना चाहते हैं, क्या ये लीगल है कि इलीगल है? क्योंकि हाँ, इंडिया में ये लीगल है और सभी लोग जानते हैं कि एक इलीगल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि IMEI एक ये जो सब्जेक्ट है इंडिया में, ये बहुत ही ज़्यादा मसले वाला सब्जेक्ट है, मतलब ही ज़्यादा रिस्की सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, और बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे IMEI का काम करते हुए बहुत सारे लोगों को उठाया गया है। ये बात आप भी जानते हैं कि बहुत सारे बार ऐसा देखा गया है कि IMEI का कोई दूसरा काम कर रहा है और उसकी वजह से उसकी लाइन के बहुत सारे लोगों को भी उठा लिया गया है। दोस्तों मैं आपको सच बताऊँ, हम IMEI कब बदल सकते हैं और कब हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, इसका सही मीनिंग क्या है? पहली तो चीज़ आपको समझ लीजिए, IMEI बदलना पूरी तरीके से इलीगल है। और एसर टेलीकॉम और देवरत्न अग्रवाल तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि IMEI का कोई भी काम आप करें। दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, ये छोटा सा काम है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके फ्लैश करने से मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, तो उसके लाने के सही तरीके हैं, और वो तब ही कीजिएगा जब कस्टमर से आपको लीगल बिल मिल जाए, या तो कस्टमर को लिखकर एक आईडी के साथ में दे के हाँ ये आप कर सकते हैं, ये मेरा बिल है और ये आईडी है, जब वो अपनी खुद की पूरी जिम्मेदारी उठाए उसके बाद ही करना चाहिए। मैं बाकी इंस्टीट्यूट को भी हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये करने से बहुत सारे इंस्टीट्यूट दोस्तों सिर्फ इसी बात पे अपने स्टूडेंट को बुलाते हैं कि हम सब तरीके के IMEI रिपेयर करना आपको सिखाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, अगर सही तरीके से काम करेंगे तो IMEI का मसला आपको कभी आएगा नहीं। मैं सच बताऊं, अब इतना मेहनत करते हो, इतने सालों की प्रैक्टिस, इतना सब कुछ पैसा खर्च करके किसी इंस्टीट्यूट से सीख के आना, या जो भी आप लोग कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसके बाद सिर्फ एक टैग लग जाना चोरी का, एक बदमाश का, आप सोचिए कैसा लगेगा आपको कि आपको पकड़ के पुलिस ले जा रही है और सामने वाला आपको बोला ये तो चोर है, ये तो चोरी का मोबाइल बेचता है, क्या आप उसकी कमाई से खुश रहेंगे? नहीं दोस्तों। मुझे लगता है कि अगर आपके पास कभी कोई ऐसा सेट आता है कि जिसमें IMEI नल है, या वो दुकान दुकान घूम रहा है, तो उसको और दुकान घुमा दीजिए। अपने पास कभी भी ऐसा सेट मत लीजिए, ना ही एक काम कीजिए दोस्तों, इतना सब कुछ काम है, फ्लैशिंग करना है, FRP करना, या फिर हम बात करें डैड मोबाइल बनाइए, लाइट सेक्शन बनाइए, सॉफ्टवेयर का बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, तो वो सारे काम कीजिए। कोई एरर आ रही है, वो एरर को सॉल्व कीजिए, वो सारे काम कीजिए। सिर्फ IMEI का काम सीखने के अगर मतलब से अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप काफ़ी दिन तक ये काम कर पाएंगे। मैं सच बताइए, अगर आप मेरे बातों से सहमत नहीं हैं तो नीचे मुझे कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट को पढ़ लूँगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर, IMEI तो फ्लैशिंग के टाइम पर जाता ही है, तो गलत फ्लैशिंग क्यों करना? हाँ, अगर आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, सपोज आप मीडिया डे को फॉर्मेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कई बार मैं फॉर्मेट करना पड़ता है, उसका रीज़न क्या है और वो रीज़न भी मुझे पता है उसके पीछे कि क्यों मुझे उसको फॉर्मेट ही करना पड़ता है, वो डाउनलोड पर फ्लैशिंग नहीं होता है। बट अगर उसको फॉर्मेट कर रहे हैं तो उसकी की फ्लैश फाइल के साथ AP और BP की हम ऐसे डाटा के से IMEI रिपेयर कर सकते हैं, हमें कोई खास टूल की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी हमको दे रही है उसी टूल का यूज़ कीजिए ना, आप जो टूल यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे देशों में ये इलीगल हो सकता है, पर हमारे यहाँ इलीगल नहीं है। हम देखते हैं यूट्यूब में डालते हैं जब हाउ टू रिपेयर, तो उसमें हाउ टू चेंज भी हमें दिखता है, तो ऐसा दोस्तों मैं सच बताऊं ये बिल्कुल इलीगल है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता IMEI को, और मैं चाहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म काम करें, कभी भी आप ऐसा काम मत कीजिए जो आपको 2-3 दिन में आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत आपको ला सकता है अपनी लाइफ में। दोस्तों ये कानून व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका, ये हमारी देश का गणतंत्र बहुत मजबूत है, इसको कोई हिला नहीं पाया। आपको क्या लगता है आप कुछ भी काम कर लेंगे और उनको पता नहीं चलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे काम कर सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो क्यों IMEI पे काम करना? क्या IMEI पे काम करके आप कितना कमा लेंगे और
क्या करेंगे उस कमाई का जो चार दिन के बाद में आपसे पूरा खींच लेगी? नहीं ना, तो ये काम मत कीजिए। बाकी इंस्टीट्यूट से भी हाथ जोड़ के विनती है कि वो आईएमई पे काम मत सिखाएं। आईएमई पे काम सिखाने से, अगर आप सिर्फ आईएमई पे काम सिखाने से या कैसे चेंज करते हैं मैं ये भी बता दूंगा, ये सब बताने से स्टूडेंट को ला रहे हैं तो मेरे भाई आप उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको वो काम सिखा रहे हो जिसको वो पहले जाके करेंगे। उनको फ्लैशिंग में मज़ा नहीं आएगा, उनको सॉफ्टवेयर का कोई और प्रॉब्लम हल करने में मज़ा नहीं आएगा, उनको आईएमई रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। आप रिपेयर करना और उसको रिपेयर करना और उसको चेंज करना, दोस्तों हम समझते हैं, वो लोग नहीं समझते हैं, हमारे न्यायपालिका नहीं समझती है। पुलिस जब आएगी तो वो रिपेयर का मतलब नहीं समझेगी। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि सही तरीके से काम करना है, लॉन्ग टाइम काम करना। आप देखो आपके साथ जो बहुत सारे दुकानदार होंगे वो भी काम कर रहे होंगे, पर वो कभी आईएमई का काम नहीं करते हैं। आप जाइए आज दिल्ली में और गफ्फार मार्केट में देखिए, कोई आईएमई का काम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर का तक का कोई काम नहीं कर रहा है। रीज़न आप खुद जानते हैं। दोस्तों जैसे ही मैंने एक खबर पढ़ी तो मैं काफ़ी हैरान हो गया और मुझे लगा कि यार ये क्यों हो रहा है। आप कभी भी ऐसी चोरी चकारी के सेटों को कभी अपने दुकान में ना लें। आप एक फॉर्मेट बनाएं अपना, और आप चाहें तो मैं आपको नीचे फॉर्मेट दे दूंगा, और उस जाइए उस फॉर्मेट को क्लिक कीजिए। उस फॉर्मेट पर सब तरीके से सा लिखा हुआ है कि आप अपने ग्राहक से अपना बिल लेंगे, विदाउट बिल आप कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर वो बिल नहीं देता है तो उससे उसकी आईडी लीजिए, उस आईडी पर लिखवाइए, उस पर साइन करवाइए कि हाँ ये वो सेट की जिम्मेदारी लेता है। बहुत सारे सेट अब आज की डेट में लॉकिंग अनलॉकिंग के लिए आते हैं, लोग बेचने के लिए रस्ते से उठा लेते हैं या किसी का चुरा लेते हैं और वो आपके पास ले आएंगे। भैया इसका पैटर्न खोल दो, तो आप तो सोचेंगे यार कंपटीशन है, मैं नहीं खोलूँगा तो कोई और खोल ही देगा, और इस कंपटीशन के चक्कर में हो सकता है कि आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लें। तो मैं नहीं चाहता कि आप नुकसान कराएं, ये छोटा सा अपडेट है। अगर आप मेरी बात मानते हैं और आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ सो इसको मानिए, आईएमई पर गलत तरीके से काम मत कीजिए। मैं तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना ही मैं अपने इंस्टीट्यूट में इस तरह का कोई काम सिखाता हूँ। मैं सच बताऊँ, मेरे उसके बाद भी मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे हज़ारों स्टूडेंट हैं दोस्तों, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज तक कभी मेरे से किसी स्टूडेंट ने नहीं पूछा कि सर इसका आईएमई कैसे रिपेयर करते हैं, क्योंकि मैंने उनको सही तरीके से काम सिखाया है। मैंने उनको बोला है बिल्कुल वैलिड काम कीजिए, कभी भी ऐसा कोई काम मत कीजिए। अगर एक दो स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं तो वो भुगतेंगे, और उनको आगे कहीं ना कहीं पता चलेगा कि ये गलत कर रहे हैं। दोस्तों मत कीजिए, अपने देश के कानून को बनाए रखिए। आप किसी भी गलत काम में भागे, आप किसी भी गलत काम में ना पड़े। आपकी अच्छी खासी लाइफ है, आप एक टेक्निकल फील्ड में है। आप बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अपने मोबाइल को खोल नहीं सकते, ये सिर्फ आपका हुनर है कि आप मोबाइल को खोल सकते, उसको बना सकते उसके अंदर के। आप बड़े बड़े इंजीनियर डिग्री करके आ जाते हैं, उनको ABCD नहीं पता होता इंजीनियरिंग की, पर आप टेक्निकली आप अपने मोबाइल के एक कॉम्पोनेंट या एक एक डिटेल बता दोगे। सो आप समझिए मेरी बात को, सिर्फ आईएमई पर काम करके पैसा कमाना तो मेरे ख्याल से बेकार है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता आईएमई पर, और ना ही कभी करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आप भी सपोर्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच। आईएमई इलीगल है और इस पर काम करना मतलब अच्छा यही होगा कि काम ही छोड़ दो। और दोस्तों जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक MI अकाउंट का एक नंबर अपडेट किया था। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि सर वो फ़ोन नहीं उठाता है, वो आपको वो पैसा खा गया। तो दोस्तों वो पैसा हमारा भी लिया है उसने, ऐसा नहीं है, और मुझे लगा कि वो एक जेन्युइन बंदा था, और ऐसा नहीं है उसने मेरे से एक दो दिन से बात की और उसने किया। मैं उसको ऑलवेज दो एक महीना उसको मैं पढ़ा हूँ दोस्तों, मैंने दो महीने एक महीने उससे काफ़ी काम किया, काफ़ी काम करवाया, MI अकाउंट का ओप्पो का सर्वर हो गया, और उसने बहुत वैलिड तरीके से मुझे दिया है, सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से। तो मुझे लगा कि वो एक जेन्युइन बंदा है, और मैंने उसका नंबर इसलिए डाला ताकि उसको फ़ायदा हो और ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि वो काफ़ी कम रेट पे दे रहा था। मुझे नहीं पता कि उसके साथ ये हो जाएगा। अब कुछ भी हो सकता है उसके साथ दोस्तों, हो सकता है कि उसका इतना प्रचार हो गया जिसकी वजह से उसके जो सर्वर थे वो ब्लॉक हो गए हैं, अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, सो उसको लगा कि चलो पैसे ही ले लो, और वो मुझसे भी बात नहीं करता, उसको उसने मुझे भी ब्लॉक करके रखा हुआ। तो मैं इसमें बस यही बहुत दुख होता है ये देख कर कि लोग इस तरह से लूट रहे हैं, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों कि ऐसा हो रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम से आप लोगों से बिल्कुल वादा करता हूँ कि मैं कभी किसी का नंबर अपने चैनल पर नहीं दूंगा, भले मुझे कितना भी अच्छा कोई क्यों ना मिल जाए,
मैं अपने चैनल पे तो किसी का नंबर नहीं दूंगा, सिर्फ मैं एक एक जेन्युइन बंदे है उसका नंबर हमेशा दूंगा और देता रहूंगा, वो है जेडएक्स मलिक। वो बहुत जेन्युइन है दोस्तों, और मैं उस पर मैं उसके साथ में लगभग 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ, और वो जो दिल से बहुत अच्छा बंदा है और वो जेन्युइन बंदा है। तो मैं उसके अलावा अभी मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और को अब कभी सपोर्ट करूँगा इस फील्ड में, और क्योंकि मुझे पता चला कि इस तरह का काम हो गया है और लोगों का बहुत पैसा गया है, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, और अब मैं नहीं चाहता कि अब किसी को औरों का नुकसान हो। इसलिए मैंने अपने पुराने जितने भी वीडियो में ये सब जो डाला था वो मैंने डिलीट कर दिया है, अपने जो पोस्ट हैं वो डिलीट कर दिए हैं, और उससे मेरे पोस्ट और मेरे वीडियो से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, मैं सच बताऊँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ जेन्युइन है वही होनी चाहिए, जो चीज़ नहीं है वो नहीं होनी चाहिए, सच है। और गलतियाँ सबसे होती हैं, तो हमसे एक गलती हम इसको मान लेते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें नहीं पता था या ये एक्सक्यूजेस होते हैं, मैं तो गलती मानूँगा, मुझे इसको थोड़ा और परखना था, उसके बारे में पता करना था, पर ठीक है। और मैंने हाँ, हालांकि मैंने वीडियो में ज़रूर ये बात कहनी थी कि इसको पैसा देने से पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर देना, मेरी नहीं। सो लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे पर भरोसा करके इसको पैसा दिया, और खैर उसने पैसा नहीं दिया उसको लोगों को वापस, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं भी सोच रहा हूँ कि इस पर जो भी कार्रवाई अगर हम कर सकते हैं, जहाँ से उसको हम पकड़ सकते हैं, जो भी SYZ अगर चीज़ हो जाएगी, सो कोशिश करेंगे कि उससे बातचीत करें और देखें कि भैया वो ऐसा क्यों कर रहा है, और कर रहा है तो वो पैसा वापस कर दे। पर ऐसे लोग ना दोस्तों चूहों की तरह होते हैं, ये किस बिल में जाके छुप जाते हैं ये कभी नहीं ढूंढ सकते हैं। तो आई होप कि यही एक पूरा वीडियो था कि आपको समझाना था कि मेहनत कर अपनी फेलियर का जिम्मेदार किसी और को मत ठहराओ। दूसरी बात, IME पे काम मत करो। और तीसरी बात, वो जो MI का अकाउंट लेने के लिए, आई एम वेरी सॉरी, और अगर आपका पैसा गया तो मुझे बहुत दुख है इस बात का, और मैं अब आगे कभी भी किसी ऐसे किसी बंदे का अकाउंट नहीं दूंगा। जेडएस मलिक का मैं इसलिए अकाउंट देता हूँ क्योंकि वो जेन्युइन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टूल्स में, हालांकि वो ओप्पो और MI पे ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट अच्छा लगता है। और मुझे मैं सच में बताऊँ मैं लाइक वाइक दिखता भी नहीं हूँ दोस्तों, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल मैं आपके दिल तक पहुँच जाऊँगा, और समय लगता है हर चीज़ के लिए। जो लोग नहीं समझते उनको जल्दबाजी चाहिए, हर आदमी को चाहिए कि वो आज करे और कल अपने फील्ड का राजा बन जाए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। राजा भी पहले राजकुमार होता है, और उसको पहले पूरा ज्ञान होता है, तब जाके राजा उसको राजा बनाता है। तो आपने तो देखा होगा, नहीं तो हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है, नहीं तो राहुल गांधी होते ना, अगर ऐसा ही होता तो। अगर राजा का बेटा राजा बनता तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, पर नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।